अब हम आपके सामने भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को पेश करते हैं इसे देखें और आशीष प्राप्त करें। This we will read 5 and verse 8. आज की सुबह हम देख सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के साथ क्या होता है Today we are going to आ प्रेयर्स डू एंड हाउ इट इज आंसर बाई गाड आज हम ध्यान करेंगे कि हमारी प्रार्थनाएं क्या करती हैं और उसका उत्तर किस प्रकार से मिलता है Here, the Bible talks about the prayers of the saints. The prayers of the saints go to God as an incense to God. God wants our prayers to be an incense to Him, not a nuisance to Him. और उसके लिए परेशानी वाली ना हो ऑल द टाइम वी से लॉर्ड आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट दैट आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट दैट और हमेशा जब हम कहते हैं कि प्रभु जी मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए

हाँ बहुत बार हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं

let your mercy come upon them प्रभु तेरी दया इन लोगों पर आ जाए take them in your arms इन्हें तो अपनी बाहु में ले ले kiss them इन्हें चूम ले प्रभु and say my son my daughter i'm forgiving you और कहे मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। cleanse their spirits with your blood प्रभु अपने लहू से इनकी आत्माओं को शुद्ध कर ब्लड ऑफ मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है लेट एवरी हर एक दुष्ट आत्मा चली जाए लेट दम बी फ्री इन ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में Father, Pita, bless every young person. हर एक जवान को आशीष दे। प्रभु कृपया कर इन्हें तू नया दिल दे तू लव यू तुझसे प्रेम करे फादर दे पिता तू इन्हें सामर्थ्य दे स्ट्रेंथ इन्हें बल दे प्रभु सक्सेस इन्हें सफलता दे लॉर्ड आई प्रे who हु ओल्ड इन एज प्रभु मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो उम्र में बहुत बड़े हैं बुजुर्ग हैं। saying, so old, से कुछ लोग कह रहे हैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है प्लीज लॉर्ड एम्ब्रेस प्रभु इन लोगों को गले लगा लेकर इनकी देखभाल की जाए हनद इनका आदर हानद है इनका आदर We thank you for thy blessing In Jesus name Amen Amen.